Okay guys, so in this video we are going to discuss about how to declare a variable, and we will also discuss about the var, let and const keyword aur unka javascript mein kya kaam hota hai. Theek hai, var zyada discuss karenge, let aur constant utna discuss nahi karenge. Theek hai, so see, agar aapko javascript mein koi variable create karna hai to you create it like this. You put a var keyword in front of the name of the variable and then you provide its value. Okay, and you can just console log it like this, and if you reload, see yahan pe you can see Rahul. Okay, you can also reassign the variable like this, let's say Ankit. Or agar aap ab console dot log karoge to you would find out ki देर इज अंकित. ओके, सो यू कैन एक्चुअली रीअसाइन अ वेरिएबल जैसा आप बाकी लैंग्वेजेस में करते हो. इट्स वेरी सिमिलर. जस्ट रिमेंबर, आप वैर कीवर्ड देते हो बट यू डोंट प्रोवाइड द डेटा टाइप. डेटा टाइप बताने का जरूरत नहीं है. वॉट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो जस्ट कीप अ वेरिएबल इन अ मेमोरी लाइक दिस वैर एज. मैंने इसका कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, और आप ऐसे रख सकते हो. अनलाइक पाइथन यहाँ पर आप ये कर सकते हो. एंड इस पॉइंट पर अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको ये दिखाई देगा. एक बार देखना. So you would see undefined, right? So ये error through नहीं कर रहा, it's undefined, okay? और बाद में अगर आप चाहो तो you can put some value to it. Let's say 12, okay? और console dot log age. And now you would see कि undefined के आगे 12 आ जाएगा, ठीक है? So you can do this. ये simple था. Next is rules for setting अ वेरिएबल नेम. ये देख लेना चाहिए. ओके, सो देर आर सर्टेन रूल्स, आई जस्ट राइट देम डाउन. फर्स्ट, यू कैन यूज अपर लोअर केस अल्फाबेट्स. यू कैन ऑल्सो यूज डिजिट्स. यू कैन यूज अंडरस्कोर. यू कैन ऑल्सो यूज डॉलर साइन. ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज यू कैन नॉट start with a digit. I'll show you. Digits आप start नहीं कर सकते. Like अगर आपका variable name ये है, one first name, you can already see आपको एक error दिखाई दे रहा है, ठीक है. और अगर आप console dot log कर रहे हो one first name को, तो obviously it would not work. Let me show it to you. See, invalid or unexpected token, ठीक है, it will not work. Second, I would not recommend you to write a name like this. Okay, why? Because this is generally reserved for jQuery. jQuery में इस तरह का चीज़ आप use करते हो तो generally लिखने का ज़रूरत नहीं है. And I would also avoid you to write code like this, क्योंकि ये reserved होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. वहाँ पे आपको अगर अपना कोई भी डेटा को प्राइवेट करना है तो आप उसके आगे ऐसे अंडरस्कोर लगाते हो. तो इन सब चीज़ों का कुछ मीनिंग है, इसलिए आप बिना बात के इसको यूज़ नहीं करो. दैट वुड बी ग्रेट. एंड नेक्स्ट वी आर ऑल्सो डिस्कस विल ऑल्सो डिस्कस नेमिंग कन्वेंशन, बिकॉज ज़रूरत है. सो अगर आपके पास दो वर्ड से मिला हुआ नाम है तो आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, फर्स्ट नेम, ठीक है. और इसको हम बोलते हैं, if you remember, this is known as camel case. ठीक है, camel case. You can also use this one, जैसे कुछ languages में होता है, जैसे कि PHP में ऐसा होता है. I don't remember इसका exact नाम क्या है. इससे error throw नहीं करेगा, but I would not recommend you to write variable names like this. Okay, you can also write it like this, first name. इसको हम बोलते हैं पास्कल केस, ठीक है. बट ये भी आप यूज़ मत करो. आपको वेरिएबल्स अगर लिखने हैं जावास्क्रिप्ट में जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, हमेशा यूज़ करो कैमल केस. हर लेटर का पहला वर्ड कैपिटल होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड, ठीक है. सो यूज़ दिस कन्वेंशन. ओके, सो दैट्स इट, इतना हो गया. नाउ वी विल डिस्कस लेट. ओके, सो लेट क्या होता है? लेट थोड़ा नया है. मतलब लेट से भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो लाइक दिस. You can declare variables like this. Okay, and you can print out
console dot log name, like you can do this. और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे var काम करता है. और देर आर सर्टेन डिफरेंसेस, वो हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग ब्लॉक लेवल स्कोप पढ़ेंगे, ठीक है. और मतलब ग्लोबल स्कोप में, मतलब पूरे प्रोग्राम में var और let में कोई डिफरेंस नहीं होता, सो पता नहीं चलेगा. बट जब आप फंक्शंस पढ़ोगे या फिर आप ब्लॉक लेवल स्कोप पढ़ोगे, वहाँ पे कुछ एडवांटेजेस होते हैं let के ओवर var, इसलिए let को यूज़ किया गया. और ये थोड़ा रीसेंट एडिशन है, ये 2015 के अराउंड ES6 में ऐड किया गया. तो इट्स अ पावरफुल फीचर, हम इसके बारे में और बात करेंगे. फॉर नाउ लेट इट बी लाइक दिस. इस पॉइंट पे आप मान सकते हो कि आप वेयर से भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, आप लेट से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. सो इस पॉइंट पे आई एम जस्ट कमेंटिंग इट आउट. नेक्स्ट इज कॉन्स्ट. सो कॉन्स्ट स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट. सो अगर कुछ भी है आपके कोड में जिसको आप कॉन्स्टेंट रखना चाहते हो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, आप उसको कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हो, लाइक दिस. कॉन्स्ट एज या कॉन्स्ट पाई रख सकते हो, पाई इज इक्वल टू 3.14. ओके, सो इस पॉइंट पे अगर आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ डिफरेंस फील होगा नहीं एज सच. यू कैन सी, अगर मैं इसको पाई को रन करूँ, यू वुड सी कि देर इज़ नो डिफरेंस. इट वुड प्रिंट आउट 3.14, बट डिफरेंस तब आएगा जब आप ये करने का ट्राई करोगे, रीअसाइन 4.5 लेट्स से. ओके, और अगर आप कंसोल डॉट लॉग करने जाओगे आप पाई को, यू वुड सी कि जावास्क्रिप्ट वोंट अलाउ यू. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल नॉट अलाउड. ओके, सो कॉन्स्ट आपको कब यूज़ करना है, जब भी आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा चीज़ है जिसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको वैसा ही रहने देना है, ठीक है. एक चीज़ और जल्दी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और वो ये है कि कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. ऑब्जेक्ट्स हम लोग थोड़े एक दो वीडियोस के बाद डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्ट लिटरल वही की वैल्यू पेयर चीज़ होती है. सो आप उससे क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस, लाइक नेम, नितिश और कॉलेज, लेट्स से IIM, ठीक है. अब इसको अगर आप कॉन्स्ट डिफाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वुड वर्क. कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, मतलब ये आराम से प्रिंट हो जाएगा. और आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, बट आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते. मतलब इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेट मी शो यू. आप स्टूडेंट डॉट नेम में यू कैन ऑल्सो राइट राहुल, राइट. और अब अगर आप इसको रन करो, यू वुड सी वहाँ पे राहुल आ गया. सो यू आर एक्चुअली एबल टू चेंज इट, बट आप ये नहीं कर सकते. लाइक अगर आप ये करने का ट्राई करोगे, स्टूडेंट इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं ये लिख रहा हूँ. अगर मैं ये लिखूँ, इट वोंट वर्क दिस टाइम, इट वोंट वर्क. ठीक है, आई शो यू, सी सेम एरर. तो आप रीअसाइन नहीं कर सकते, वो जो चीज़ है वो वहीं पर है. मतलब आपने एक्चुअली मेन ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं किए, उसके अंदर एडिटिंग की, दैट इज़ अलाउड, बट आप पूरी की पूरी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते. एंड सेम गोज विथ एरेज. इनफैक्ट आई शो यू वन एग्जाम्पल. सो लेट्स से हमारे पास कॉन्स्ट, लेट्स से हमने लिखा कुछ भी, एक एज बोल के एक एरे बना दिया, और उसमें नंबर्स हैं 23, 34, 56, 12, 44. और आई एम प्रिंटिंग इट आउट, कंसोल डॉट लॉग एज. नाउ इफ आई रन इट, सी प्रिंट हो रहा है. और आई कैन ईजली डू दिस, एज डॉट पुश. एक्चुअली ये एक मेथड होता है एरे के अंदर आइटम्स ऐड करने के लिए. लेट्स से 55 मैंने ऐड किया, एंड यू वुड सी कि इट वुड वर्क. सी 55 ऐड हो गया. बट आप अगर ये करने जाओगे ना, लेट्स से अगर आप ये करने जाओगे तो इट वोंट वर्क अगेन लाइक दिस. अगर आप यहाँ पे 55 डालोगे, इट वोंट वर्क एंड इट वुड थ्रू एन एक्सेप्शन लाइक दिस, क्योंकि आप पूरे एरे को चेंज कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, सो ये दो तीन चीज़ें कवर करनी थी, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेयर, लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं, और ये रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, सो आई गेस ये पूरा वीडियो क्लियर है. ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक्स करते जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस डेटा टाइप्स.